दोस्तों जब आकर्षक तथ्यों और इतिहास की बात आती है तो कुवैत का छोटा अरब देश सबसे पहले नंबर पर आता है। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि इस देश में 70% से अधिक आबादी विदेशी नागरिकों से बनी है, या कि देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। वास्तव में कुवैत दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक में गिना जाता है। दोस्तों, कुवैत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पानी के करीब एक महल। करीबन 30 लाख की जनसंख्या वाले इस संवैधानिक राजशाही वाले देश में संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है। कुवैत नगर देश की आर्थिक और राजनीतिक राजधानी है। कुवैत में अनेक द्वीप भी शामिल हैं, जिनमें इराक की सीमा से लगा बुमियान सबसे बड़ा द्वीप है। तो आइए जानते हैं कुवैत के 10 इंपॉर्टेंट और रोचक फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, कुवैती अपने ही देश में अल्पसंख्यक हैं। दोस्तों, कुवैत आधिकारिक तौर पर कुवैत राज्य मध्य पूर्व में एक देश है। ये फारस की खाड़ी के सिरे पर अरब प्रायद्वीप पर अवस्थित है। इराक देश की सीमा उत्तर में और सऊदी अरब दक्षिण में है। कुवैत ईरान के साथ एक समुद्री सीमा साझा करता है। इस देश की राजधानी शहर कुवैत सिटी है। जनवरी 2022 तक कुवैत की जनसंख्या 43,69,485 थी। इस संख्या में लगभग 1.45 मिलियन कुवैती नागरिक हैं। बाकी लोग विदेशी नागरिक हैं, जो कि 120 से अधिक विभिन्न देशों से आते हैं, जिनमें भारतीय सबसे बड़ा समुदाय बनाते हैं, जिसके बाद मिस्र और फिर फिलिपिनो आते हैं। नंबर 2, कुवैत की राजभाषा अरबी है। दोस्तों, कुवैत की मूल और आधिकारिक भाषा अरबी है, जिसमें कुवैती खाड़ी अरबी की एक बोली बोलते हैं। स्कूलों में बच्चे आधुनिक मानक अरबी सीखते हैं। अंग्रेजी दूसरी भाषा है जिसे बच्चे पब्लिक स्कूलों में सीखते हैं। विदेशी आबादी कई अन्य भाषाएं बोलती है, उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी। नंबर 3, कुवैत के पास दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है। दोस्तों, कुवैत के पास 104 अरब बैरल तेल भंडार है। ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है। कुवैत में तेल भंडार दुनिया के तेल भंडार का 8% है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के अनुसार कुवैत का तेल भंडार इसके वार्षिक खपत के 774.6 गुना के बराबर है, और इसलिए शुद्ध निर्यात के बिना लगभग 775 वर्षों का तेल यहां पर बचा हुआ है। ये वर्तमान खपत स्तर पर है और इसमें अप्रमाणित भंडार भी शामिल नहीं है। नंबर 4, कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा है। दोस्तों, कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार है। ये दुनिया में प्रति अंकित मूल्य की उच्चतम मूल्य वाली मुद्रा इकाई है। अधिकारियों ने 1960 में कुवैत में दिनार की शुरुआत की थी। इसने पूर्व मुद्रा खाड़ी रुपए को बदल दिया। कुवैत पर इराक के आक्रमण के दौरान इराकी दिनार ने कुवैती दिनार की जगह ले ली। हालांकि आक्रमणकारी सेना के कुवैत से हटने के बाद अधिकारियों ने एक बार फिर से कुवैती दिनार को बहाल कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार GDP PPP प्रति व्यक्ति द्वारा मापा जाने वाला कुवैत प्रति व्यक्ति 8वां सबसे अमीर देश में गिना जाता है। नंबर 5, कुवैत में कोई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। दोस्तों, कुवैत उन 27 देशों में से एक है जिसके पास कोई भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। हालांकि कुवैत की अस्थायी सूची में 4 साइटें हैं जो औपचारिक नामांकन के लिए विचाराधीन हैं। यूनेस्को की अस्थायी सूची में कुवैत में 4 स्थल हैं: अबराज अल कुवैत, बॉब्यान द्वीप और मुबारक अल कबीर मरीन रिजर्व। फैलका द्वीप में साद और शहीद क्षेत्र और शेख अब्दुल्ला अल जाबीर पैलेस। नंबर 6, कुवैत के पास नवीकरणीय मीठे पानी के संसाधन है ही नहीं। दोस्तों, कुवैत में कोई भी झील या नदियां मौजूद नहीं हैं, और इसलिए कुवैत में पानी का प्रमुख स्रोत समुद्र ही है, जिसमें कुवैत की पेयजल आपूर्ति मुख्य रूप से खारे पानी के शुद्धिकरण संयंत्रों से आती है। ये शुद्धिकरण संयंत्र पीने के प्रयोजनों के लिए मीठे पानी का प्राथमिक स्रोत है। वे 92% पानी प्रदान करते हैं, जो कुल जलापूर्ति के लगभग 60% के बराबर है। नंबर 7, कुवैती झंडा अर्थ से भरा हुआ है। दोस्तों, कुवैती झंडे में हरे, सफेद और लाल रंग की क्षैतिज पट्टियां होती हैं,
जिसमें एक काले रंग का छोटा त्रिकोण होता है। अरबी कवि शफी एड दीन अल हिल की एक कविता ने कुवैत के ध्वज के रंगों को प्रेरित किया है। 13वीं शताब्दी में लिखी गई अपनी फक्र कविता में उन्होंने लिखा था, हमारे कर्म सफेद हैं, हमारी लड़ाई काली है, हरे हमारे तंबू हैं, लाल हमारी तलवारें हैं। अधिकारियों ने पहली बार 24 अक्टूबर 1961 को कुवैती ध्वज के इस संस्करण का उपयोग किया था। नंबर 8, कुवैत में मध्य पूर्व में सबसे बड़ा ओपेरा हाउस है। दोस्तों, JACC या शेख जाबेर अल अहमद सांस्कृतिक केंद्र एक ओपेरा हाउस और कुवैत शहर में स्थित एक सांस्कृतिक केंद्र है। ये मध्य पूर्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा जगह है। इसकी स्थापना अमीरी दीवान ने कुवैतियों के मनोरंजन और शिक्षा के लिए की थी। ये स्थान पुस्तकालय, सिनेमा, प्रदर्शनी हॉल, कॉन्सर्ट हॉल, थिएटर आदि की मेजबानी करता है। पूरे परिसर का क्षेत्रफल 2,14,000 वर्ग मीटर है। नंबर 9, कुवैत का प्रस्तावित बुर्ज मुबारक अल कबीर दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत होगा। दोस्तों, बुर्ज मुबारक अल कबीर मदीनत अल हरेर के भविष्य के शहर में एक प्रस्तावित गगनचुंबी इमारत है। लोकप्रिय अरब लोक कथा संग्रह 1001 अरेबियन नाइट्स को दर्शाने के लिए टावर को 1001 मीटर लंबा बनाने की योजना बनाई गई है। इस टावर का निर्माण 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। अगर तब तक कोई और ऊंची इमारत नहीं खड़ी की जाती है तो ये टावर इसके पूरा होने की तारीख पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी। नंबर 10, कुवैत दुनिया के सबसे मोटे लोगों के देशों में से एक है। दोस्तों, कुवैत में मोटे व्यक्तियों की एक बड़ी आबादी है। लगभग 42.8% आबादी एक बड़ा वर्ग अधिक वजन के निशाने को पार कर चुका है। ये मध्य पूर्व में सबसे अधिक वजन वाला देश है और दुनिया के सबसे मोटे देशों में से एक है। देश में मोटापे की दर 2020 तक 60% तक बढ़ गई थी। रिपोर्टों के अनुसार कुवैत के फास्ट फूड उद्योग और इसके निवासियों के एक बड़े वर्ग की गतिहीन जीवन शैली महामारी के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कुवैत देश के 10 बेहद ही रोचक फैक्ट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।